है वीवर, वेलकम टू नेशन बिल्डर। ये वन कनाल मॉडर्न फुल बेसमेंट लग्जरियस डिज़ाइनर हाउस है। बेसमेंट में होम थिएटर, स्विमिंग पूल और एक मास्टर साइज का बेडरूम दिया गया है। 6 बेडरूम हाउस है और ये घर फेस 7 DHL हॉल की प्राइम लोकेशन पर लोकेटेड है। पार्क, सेक्टर शॉप, मस्जिद इस घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके अलावा ये घर मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल करीब है और मैकडोनल्ड फेस 7 इसके बिल्कुल ही करीब है, तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। वीडियो में बहुत आगे चल के नहीं, आपको स्टार्ट में ही इसकी प्राइस बता देता हूँ। 7.75 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। फुल बेसमेंट स्विमिंग पूल हाउसेज यहाँ DHA में मोर देन 10 करोड़ की प्राइसेस के साथ अवेलेबल हैं। तो ये एक बहुत ही शानदार फुल बेसमेंट हाउस और बहुत ही रीज़नेबल डिमांड के साथ अवेलेबल है। प्राइस इसकी निगोशिएबल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे चल के आपके साथ इस घर की मज़ीद इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ये इसका आप एलिवेशन देख सकते हैं, ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है 2 कलर में, वाइट एंड ब्लैक कलर की टाइल का कम्बिनेशन, जिसमें ग्लास के पैनल से डिज़ाइनिंग की गई है। आप देख सकते हैं इसकी डायमेंशन 50 फिट बाई 90 फिट है और ये आप इसका सामने कार रैंप देख सकते हैं जिसमें इम्पोर्टेड टाइल से फ्लोरिंग की गई है। और इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे आपको आउटसाइड का गार्डन नज़र आ रहा है जिसमें ब्यूटीफुल प्लांटिंग की गई है, लाइट्स के साथ डिज़ाइनिंग की गई है, वॉल पे भी ब्यूटीफुली टाइल्स के साथ डिज़ाइनिंग की गई है और यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेड प्लांट्स फिक्स इसमें गार्डन में दिए गए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक DB और इलेक्ट्रिक पोल भी आपको नज़र आ रहा है और ये इसका बहुत ही खूबसूरत मेन गेट ब्लैक कलर में इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये इस घर का गैराज, 4 कार की इसमें ये ऑप्शन दी गई है, 4 कार्स इजीली आप पार्क कर सकते हैं। इसमें भी सेम टाइल फ्लोरिंग की गई है और ये आप इसकी देखें ब्यूटीफुल सीलिंग। और सामने आप देखें तो ये इसमें वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है। इस साइड पे भी आप देखें तो आपको खूबसूरत डिज़ाइनिंग नज़र आती है। और सामने इसके ये मेन एंट्रेंस दी गई है जिसमें खूबसूरत इसमें प्योर वुडन का मेन डोर फिक्स किया गया है। इस साइड पे टाइल्स नज़र आ रही है वॉल पे। और ये सामने आपको एक गली दी गई है 5.5 फिट की और पीछे इस गली में सर्वेंट क्वार्टर कनेक्ट किए गए हैं। इंटरनल लॉन दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत इसका इंटरनल लॉन ये आप देख सकते हैं जिसमें ग्रास लगाई गई है, प्लांट्स फिक्स किए गए हैं, ये टैप दिया गया है और वॉल पे लाइट्स दी गई हैं। और ये आप इसका एलिवेशन देख सकते हैं, ब्यूटीफुल इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये सामने एक मिनी टेरेस दिया गया है फ्रंट पे। और ये इस घर की मेन एंट्रेंस, स्टेप्स पे ग्रेनाइट के स्टेप दिए गए हैं, ये वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है। और ये सामने खूबसूरत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत इसका मेन डोर दिया गया है, तो आप घर को अंदर से विज़िट करते हैं। ये इस घर की मेन लॉबी है, जहाँ आप घर में इंटर हों तो इसका मैं आपको लेआउट प्लान बता दूँ। ये सामने आपको ओपन अमेरिकन किचन नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये सामने एक डोर नज़र आ रहा है, ये TV लाउंज का डोर है। ये सेमी फर्निश हाउस है, ये डबल हाइट लॉबी दी गई है, अप स्टेयर डाउन स्टेयर दी गई हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है ड्राइंग रूम और ये इस घर की मेन एंट्रेंस। यहाँ पे एंट्रेंस बहुत खूबसूरत दी गई है जिसमें वॉल पे इटालियन मार्बल से डिज़ाइनिंग की गई है। इस साइड पे स्टेयर्स, ये सामने TV लाउंज और यहाँ पे आपको मिलता है डाइनिंग रूम और किचन एक साथ। तो सबसे पहले देखते हैं
इसका ड्राइंग रूम वुडन फ्लोरिंग की गई है, ब्यूटीफुली डिज़ाइन की गई है, वॉल पे वॉल लाइट से और ब्यूटीफुल पेंट से डिज़ाइनिंग की गई है, सोफ़ाज फिक्स किए गए हैं, खूबसूरत इसका इंटीरियर किया गया है, इसमें बहुत खूबसूरत शैंडलियर नज़र आ रहा है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, वॉल माउंटेड लाइट्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा इसका साइज़ दिया गया है। ये अपस्टेयर्स और यहाँ पे डाउन स्टेयर नीचे बेसमेंट में जाने के लिए, और ये आप देख सकते हैं फुल हाइटेड लॉबी जिसमें शैंडलियर ड्रॉप्स किए गए हैं, और यहाँ वॉल पे आप देखें तो इंपोर्टेड इटालियन मार्बल से डिज़ाइनिंग की गई है, ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये सामने दिया गया है ओपन किचन और डाइनिंग रूम, ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे भी खूबसूरत शैंडलियर से डिज़ाइनिंग की गई है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, सामने वॉल देखें तो उसमें टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, यहाँ पे मिरर पैनल के साथ डिज़ाइनिंग की गई है, सामने वॉल में भी डिज़ाइनिंग की हुई आपको नज़र आ रही है, और ये सामने दिया गया है किचन, ब्यूटीफुल इसमें टाइल फ्लोरिंग की गई है, और यहाँ सामने देखें तो इसमें डिसेंट सीलिंग की गई है, और अब इसके साथ ही देखते हैं इसका किचन, बहुत ही खूबसूरत ओपन किचन दिया गया है, कोरियन का टॉप दिया गया है, ब्यूटीफुल ऑफ वाइट कलर में इसमें डिज़ाइनिंग की गई है, सामने आप देखें तो इसमें आपको डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज दिया गया है, साथ में एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, और ये देखें तो यहाँ पे स्टोरेज दी गई है, टैब और बर्नर फिक्स किया गया है, वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, वेरी स्पेशियस किचन, साथ में सामने डाइनिंग एरिया, और ये आपको एक डोर नज़र आ रहा है, ये सामने बिल्कुल टीवी लाउंज में ओपन होता है, ये फ्रिज के साथ एक्सेसरीज फिक्स की गई हैं, ओवन एंड बेकिंग, और यहाँ पे ये इसका शेफ़ किचन, डर्टी किचन, ये उसका डोर दिया गया है, गली में ओपन हो रहा है, और यहाँ पे टैब और ये बर्नर, और ये बहुत ही अच्छे साइज़ का किचन दिया गया है, सरप्राइजिंग बहुत अच्छा इसका साइज़ दिया गया है। तो अब देखते हैं घर का फैमिली एरिया, टीवी लाउंज, ये किचन के साथ ये सामने टीवी लाउंज का डोर नज़र आ रहा है, बट टीवी लाउंज आप मेन लॉबी से देखेंगे, ये लॉबी है, और ये इस घर की मेन एंट्रेंस, जैसे ही आप घर में इंटर होते हैं आप आएँ तो लॉबी से होते हुए ये सामने नज़र आ रहा है टीवी लाउंज, इसमें बहुत खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग की गई है, यहाँ पे भी आपको सोफे फिक्स किए हुए नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत इसमें शैंडलियर ड्रॉप किया गया है, यहाँ पे वॉलपेपर का काम अभी तक अभी रहता है, ठीक है, एसी भी इंस्टॉल होने वाले हैं, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, शैंडलियर ड्रॉप किया गया, खूबसूरत इसकी फ्लोरिंग, और यहाँ आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल इसमें सीटिंग दी गई है, ये सामने किचन, और अब देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जस्ट वन ह्यूज साइज का मास्टर बेडरूम दिया गया है, जिसमें इंपोर्टेड वुडन फ्लोरिंग की गई है, और बहुत ही डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे और काफ़ी बड़ा बेडरूम का साइज़ दिया गया है, सामने आप देखें तो ये वॉल में डिज़ाइनिंग की गई है, ये सामने मीडिया वॉल दी गई है, और यहाँ पे डिसेंट सीलिंग, और इस साइड पे ये दी गई है वॉल में डिज़ाइनिंग की गई है, बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है, और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, जिसमें ब्यूटीफुल टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, और यहाँ सामने आपको एक वैनिटी नज़र आ रही है,
कोरियन का टॉप दिया गया है, इम्पोर्टेड वैनिटी पर मिरर का डिसेंट डिज़ाइन दिया गया है, बहुत खूबसूरत इसमें सीलिंग की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट कलर की वार्डरोब दी गई है, और इस साइड पे ये सामने इम्पोर्टेड वॉल माउंटेड कमोड फिक्स किया गया है, और यहाँ पे ये शावर कैबन दिया गया है केले की इम्पोर्टेड एक्सेसरीज के साथ, बहुत ही डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है। ये आप वार्डरोब एक बार फिर देख सकते हैं। और अब चलते हैं, देखते हैं बेसमेंट, खूबसूरत ब्यूटीफुल ये मास्टर बेडरूम, और ये सामने दिया गया है टीवी लाउंज। और अब चलते हैं, देखते हैं बेसमेंट, ये स्टेयर्स अपस्टेयर फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट करती हैं, और ये डाउन स्टेयर्स नीचे बेसमेंट से कनेक्ट करती हैं। स्टेयर्स पे भी ग्रेनाइट के स्टेप्स दिए गए हैं। ये सामने एक बहुत ही अच्छे साइज में खूबसूरत पार्टी हॉल दिया गया है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है, लाइट्स ड्रॉप की गई हैं, सीलिंग में शैंडलियर ड्रॉप की गए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। साथ में स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे साइज का यहाँ पे आपको इंटीरियर मिलता है। देख सकते हैं आप वॉल पे टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, और बहुत ही खूबसूरत इसमें टाइल फ्लोरिंग की गई है, ये मीडिया वॉल दी गई है। यहाँ पे भी आपको बहुत खूबसूरत शैंडलियर नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छी आप गैदरिंग कर सकते हैं। ये सामने स्टेयर्स, और आप देखते हैं ये इसका स्विमिंग पूल, ये आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट इसको डिज़ाइन किया गया है, सीलिंग में लाइट्स दी गई हैं, स्विमिंग पूल देख सकते हैं, वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा गया है। इस साइड पे आप देखें वॉल पे भी डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है। और स्विमिंग पूल के साथ में यहाँ पे ये सामने पाउडर रूम दिया गया है, यहाँ पे शावर भी दिया गया है, इसमें भी थोड़ा सा काम रहता है। सामने वॉल माउंटेड आपको कमोड नज़र आ रहा है, टाइल से डिज़ाइनिंग की हुई है बहुत ही डिसेंट। और यहाँ पे ये मीडिया रूम दिया गया है, होम थिएटर, ये भी इनकम्प्लीट है, यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये स्पेस आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब देखते हैं बेसमेंट में एक बेडरूम दिया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत पार्टी हॉल दिया गया है बेसमेंट में, और ये एक बेडरूम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। वॉल पे भी डिसेंट वॉलपेपर से डिज़ाइनिंग की गई है, ये मीडिया वॉल, इस पर भी काम होने वाला रहता है। और ये वॉल को ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है टाइल्स के साथ, और यहाँ पे आप कुछ चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये होम थिएटर में फिक्स की जाएंगी वॉल पे, और यहाँ पे दी गई हैं स्टार्ट में ही ये वार्डरोब दी गई हैं, और ये इसका अटैच बाथरूम दिया गया है खूबसूरत, इसमें टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, ये इसमें वैनिटी फिक्स की गई है, वैनिटी के साथ ये मिरर दिया गया है। सामने आपको शावर एरिया नज़र आ रहा है, टॉप पे रेन शावर दिया गया है, एग्जास्ट नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपको वॉल माउंटेड कमोड नज़र आ रहा है, और ये इसका बेडरूम। बेसमेंट में आपको एक होम थिएटर, एक स्विमिंग पूल और एक ग्रैंड साइज का पार्टी हॉल मिलता है, ये आप अगेन देख सकते हैं, और एक मास्टर बेडरूम दिया गया है पूरा एक यूनिट। और यहाँ पे आपको स्टेयर के नीचे एक
डोर नजर आ रहा है, ये इसका पाउडर रूम दिया गया है। और अब देखते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे भी सेम मार्बल से डिजाइनिंग की गई है वॉल पे। और ये ग्राउंड फ्लोर की लॉबी, सामने डाइनिंग रूम, और ये आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर देखते हैं। स्टेयर्स, सामने मार्बल से डिजाइनिंग की गई है, और ये बहुत बड़े साइज की विंडो दी गई है। यहाँ पे आप देखें खूबसूरत सीलिंग, शैंडेलियर ड्रॉप किए गए हैं। स्टेयर्स जिन पे ग्रेनाइट्स के स्टेप दिए गए हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, डिसेंट डिजाइनिंग की गई है। सामने एक बेडरूम, और यहाँ पे भी एक आपको बेडरूम नजर आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी, बहुत खूबसूरत शैंडेलियर ड्रॉप किए गए हैं। और मैं आपको लेआउट प्लान बता दूं, तो ये सामने एक ह्यूज साइज का मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसके साथ में आपको एक स्टोर रूम नजर आ रहा है। और इस साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आपको एक बेडरूम दिया गया है, और ये फ्रंट पे गेस्ट बेडरूम दिया गया है। ये बिल्कुल ही स्टेयर के साथ में बेडरूम दिया गया है। तो सबसे पहले गेस्ट बेडरूम देख लेते हैं। ये फ्रंट पे दिया गया एलिवेशन के साथ, सामने विंडो दी गई है। इसमें भी खूबसूरत फ्लोरिंग की गई है वुडन के साथ। डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है। और अब देखते हैं इसका अटैच बाथरूम, ब्लैक कलर में इसका इंटीरियर किया गया है। सो खूबसूरत इसमें टाइल्स फिक्स की गई हैं, और ये वैनिटी दी गई है ब्यूटीफुली। इसके ऊपर खूबसूरत मिरर नज़र आ रहा है आपको। और वॉल पे भी सेम कलर की टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है। ये टॉप पे आप सीलिंग में देख सकते हैं रेन शावर दिया गया है। और यहाँ पे ये शावर एरिया, यहाँ पे दिया गया है वॉल माउंटेड कमोड, और ये वैनिटी। और दरवाजे के बिल्कुल पीछे ब्लैक कलर की वार्डरोब दी गई है। तो ये इस घर का गेस्ट बेडरूम। आप देखते हैं इस घर का फैमिली एरिया। अगेन हम लॉबी में आ गए हैं। ये सेकंड बेडरूम दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी फ्रंट पे दिया गया है। ये मीडिया वॉल सिंपली डिज़ाइन की गई है। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और ये बेड वॉल को डिज़ाइन किया गया है मिरर पैनल के साथ, और ये पोशिश फिक्स की गई है। इसके साथ ही इसका अटैच बाथरूम, इसमें खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग की गई है। और यहाँ पे आप देखें तो वार्डरोब दी गई है, इसमें एसी की भी ऑप्शन दी गई है। और अब देखते हैं, ये सामने वॉल माउंटेड कमोड दिया गया है, इसके साथ सेम ये वैनिटी, वैनिटी पे खूबसूरत मिरर दिया गया है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शावर एरिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। ये मेन लॉबी, और यहाँ पे आप देखें तो सामने आपको एक डोर नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे आपको सेंट्रल टेरेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक स्टोर दिया गया है, और ये सरप्राइजिंग बहुत ही बड़े साइज का आपको एक बेडरूम मिलता है। बट इसमें ऑप्शन दी गई है कि ये एरिया जहाँ पे फ्लोरिंग की दो पार्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, उसको कवर करके आप बेडरूम भी बना सकते हैं, और ये आप ये स्पेस लॉन्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर एक बेडरूम रखना चाहें तो ये बहुत बड़े साइज का बेडरूम। और ये एरिया टीवी लॉन्ज का, इसको आप टीवी लॉन्ज कंसीडर करें। सामने ये सेंट्रल टेरेस, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें
ब्यूटीफुल फ्लोरिंग की गई है, वॉल पे भी टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत अच्छा इसका यूटिलाइज किया गया है स्पेस को। यहाँ पे आप सीटिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक टैब नज़र आ रहा है, लॉन्ड्री भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं ये टीवी लाउंज, और इसके साथ में यहाँ से आपके बेडरूम की स्पेस स्टार्ट होती है। ये आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग की गई है, डिसेंट इसमें सीलिंग की गई है, वॉल पे खूबसूरत पेंट से डिज़ाइनिंग की गई है। यहाँ पे विंडो नज़र आ रही है आपको, सामने एसी के ऑप्शन, मीडिया वॉल पे भी डिज़ाइनिंग की गई है। और ये इसका अटैच बाथरूम, यहाँ पे स्टार्ट में वार्डरोब दी गई है सेपरेट, ये आप देख सकते हैं। इसमें वुडन फ्लोरिंग की गई है, और ये सामने अटैच बाथरूम, इसमें बहुत खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग की गई है, वॉल पे भी टाइल से डिज़ाइनिंग की गई है। ये खूबसूरत इसकी वैरायटी, मिरर दिया गया है, सामने शावर कैबिन दिया गया है, और यहाँ पे आपको मिलता है वॉल माउंटेड कमोड। तो गाइस, ये इस घर का टूर था। ये 6 बेडरूम फुल बेसमेंट हाउस विद स्विमिंग पूल, होम थिएटर, ग्रैंड पार्टी हॉल, और इसकी आस्किंग प्राइस 7.75 करोड़ है, बहुत ही रिजनेबल इसकी डिमांड है। आप इसको लाजमी विजिट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।